एक दिन जंगल में एक सुंदर सी कौवी रहने के लिए आई थी, जिसका नाम सोनी कौवी था। कालू जी, आपने देखा है उस सोनी कौवी को जो इस जंगल में नई आई है अभी? नहीं, मैं तुम्हारे सिवा तो किसी और कौवी को देखता ही नहीं। ओह, मेरे प्यारे पति, आप तो बहुत अच्छे हो। तभी वहाँ वे सोनी कौवी आ जाती है। क्षमा करना मुझे कि मैं बिना पूछे आपके घर में आ गई। रानी कौवी और कालू कौवा सोनी कौवी के गले में सोने का हार देखकर दंग रह जाते हैं। अरे कैसी बातें करती हो, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अरे आप तो मेरी बहनों जैसी हो। वो असल में बात ये है कि मैं इस जंगल में अभी नई नई आई हूँ और मुझे ज्यादा नहीं पता कि इस जंगल में भोजन कहाँ मिलता है। क्या आप दोनों मुझे बता सकते हैं कि मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा? हाँ हाँ मेरी बहन, क्यों नहीं, ये लो तुम मेरा भोजन ले जाओ। सोनी कौवी तो भोजन लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। अरे रानी, तुम क्या पागल हो गई हो? मैं इतनी गर्मी धूप में भोजन ढूंढ कर लाता हूँ और तुमने हमारा भोजन उस कौवी को दे दिया। मेरे भोले पति, आप गुस्सा क्यों करते हो? मैं रानी हूँ रानी, और रानी कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करती। कालू जी, आपने देखा ना, वे सोनी कौवी कितनी ज्यादा अमीर है। अभी आज भी उसने कितना महंगा सोने का हार पहना हुआ था। और तो और मैंने देखा है उसका घर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हाँ ये सब तो ठीक है, पर अगर वे सोनी कौवी अमीर है तो मैं क्या करूँ? तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ वो आप नहीं सोच रहे कालू जी। हाँ तो मुझे बताना पसंद करोगी कि तुम क्या सोच रही हो इस समय? मैं सोच रही हूँ क्यों ना उस अमीर कवि को अपने जाल में फंसा कर उससे आपकी शादी करवा दी जाए तो कितना ज्यादा अच्छा होगा। सोनी कवि से शादी के बाद तो हम कितने ज्यादा अमीर हो जाएंगे। रोजाना पिज्जा बर्गर खाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बड़ी सी घर पर कब्जा भी कर लेंगे हम। जब हम उसकी सारी चीजों पर कब्जा कर लेंगे तो आप उसे छोड़ देना और फिर हम सारी जिंदगी अमीरी की जिंदगी गुजारेंगे। वाह रानी, उपाय तो वाकई बहुत कमाल का है। परंतु मैं दूसरी शादी करूंगा तो तुम्हारा भाई मुझे बहुत मारेगा और मुझे तुम्हारे भाई से बहुत डर लगता है। नहीं कालू जी, भाई को मैं समझा दूंगी। बस अब आप उस अमीर सोनी कौवी को अपने जाल में फंसाने की तैयारी करो। वे कौवा और कौवी तो बहुत ज्यादा ही लालची थे। वे सोनी कौवी को अपने जाल में फंसाकर उसे लूटना चाहते थे। अब तो रोजाना ही वे सोनी कौवी अलग अलग प्रकार के सोने के हार पहनती थी। सोनी कौवी, इतनी गर्मी में तुम भोजन लेने मत जाया करो। पहाड़ की गर्मी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे इस सुंदर चेहरे को पूरी तरह से खराब कर देगी। इसीलिए तुम्हारा ये अच्छा दोस्त तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया है। अब देखना, मैं तुम्हारे लिए रोज ही मजे मजे के भोजन लेकर आया करूँगा। बहुत शुक्रिया कालू तुम्हारा। वाकई कालू, तुम बहुत अच्छे हो। वैसे आपका ये नया सोने का हार तो बहुत ही सुंदर है। और तो और मैं आपका ये घर देखकर तो बिल्कुल हैरान रह गया। क्या सुंदर घर है ये। हाँ कालू, मेरे भैया सुनार हैं और इसीलिए मैं रोजाना नए सोने के हार पहनती हूँ। और तो और मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ। परंतु बस अब कोई अच्छा सा कौवा मिलते ही भैया मेरी शादी करवा देंगे। शादी? ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अब आपकी शादी हो जानी चाहिए। ये बातें हो रही थी कि तभी वहाँ पर सोनी कौवी का भाई आ जाता है। अरे तुम तो कालू कौवी हो ना, मैं जानता हूँ तुम्हें। वैसे आज हमारे घर पे कैसे आ गए? हाँ वो कौवी भाई, मैं ये भोजन देने आया था। मैंने देखा कि आपकी बहन रोजाना इतनी गर्मी में भोजन ढूंढने जाती है, इसीलिए अब मैं रोजाना आ जाया करूँगा भोजन लेने। बहुत अच्छे। अच्छा कालू कौवी, मुझे इस जंगल के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सोनी कौवी को अच्छे से पूरा जंगल घुमा दो। सोनी, तुम कालू कौवी के साथ चली जाओ, ये तुम्हें पूरा जंगल बहुत अच्छे से घुमाएगा। क्यों कालू कौवी, घुमाओगे ना? हाँ हाँ कौवी भाई, ये भी कोई कहने वाली बात है। आ जाओ सोनी कौवी, मैं तुम्हें पूरा जंगल घुमाता हूँ अच्छे से। ये कालू कौवी को अच्छा मौका मिल गया था और अब कालू कौवा सोनी कौवी को पूरा जंगल अच्छे से घुमा रहा था। कालू कौवा सोनी कौवी को चगू पक्षी के पास से ठंडा ठंडा जूस भी पिलाता है और ये सब कुछ पेड़ पर बैठी रानी कौवी भी देख रही थी। अरे वाह, इसका मतलब ये अमीर सोनी कौवी अब हमारे जाल में फंस रही है। अरे वाह कालू जी, आप तो सोनी कौवी के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं।
जैसे मानो आप दोनों पति पत्नी हो। ये सुनकर सोनी कवि तो जैसे शर्मा ही जाती है। अब तो कालू कौवा रोजाना ही सोनी कवि को पूरे जंगल की सैर करवाता और इसे ठंडा ठंडा जूस भी पिलाता था। सोनी, तुमसे मिले अभी मुझे सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, पर ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है कि तुम मेरी बरसों पुरानी दोस्त हो। वाकई में सोनी तुम बहुत अच्छी हो। कालू आप भी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं आप। मेरी रानी, बहुत अच्छी खबर है। पता है वे सोनी को भी हमारे जाल में फंस गई है, और तो और वो मुझे पसंद भी करने लगी है अब। वैसे मैं हूँ भी तो बहुत अच्छा, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि वे कवि मुझसे शादी करने के लिए राजी भी हो जाएगी। वाह, बहुत बढ़िया। बस अब मैं कल ही जाकर सोनी कवि के भाई से सोनी कवि का हाथ आपके लिए मांग लूंगी। सुबह होते ही कालू कौवा और रानी कवि तो फौरन से सोनी कवि के घर पहुंच जाते हैं। कवि भाई, मैं आपसे यहाँ कुछ कहने आई हूँ। मुझे आपकी सोनी कवि बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल मेरी बहनों जैसी। आप इसकी शादी कर देंगे तो ये तो मुझसे बहुत दूर चली जाएगी, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप सोनी कवि की शादी मेरे पति कालू जी से करवा दें। कालू जी बहुत अच्छे हैं, ये सोनी कवि का ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे, और हम दोनों भी बिल्कुल बहनी बनकर रहेंगी। कवि बहन, आपने तो मेरे मुंह की ही बात छीन ली। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी कालू कवि से ही हो जाए। तो बस ठीक है कवि भाई, हम इन दोनों की शादी कल ही करवा देते हैं। ये सुनकर रानी कवि और कालू कौवा तो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रानी कवि, तुम्हें क्या हो गया है? भला कोई पत्नी ऐसा भी चाहेगी कि उसका पति दूसरी शादी कर ले? मीनू चिड़िया, मैं तुम पक्षियों की तरह लड़ाकू नहीं हूँ, और सोनी कवि मेरी सोतन नहीं बल्कि मेरी बहन है। छोड़ो, जाने दो मीनू चिड़िया, क्या मैं जानती नहीं इस कालू कवि और रानी कवि को? मुझे सब पता है कि रानी कवि सिर्फ और सिर्फ सोनी कवि की अमीरी की वजह से कालू कवि की शादी करवा रही है। अच्छे से जानती हूँ इन दोनों को। ये कालू कौवा और रानी कवि बहुत ज्यादा लालची हैं। देखो रानी कवि, अभी भी सोच लो, बाद में पछतावे से कुछ फायदा नहीं होगा। अगला दिन आते ही रानी कवि लालच में कालू कवि की शादी सोनी कवि से करवा ही देती है। और अब तो कालू कौवा और रानी कवि सोनी कवि के बड़े से घर में ही रह रहे थे। कालू कवि, आज से ये बड़ा घर तुम्हारा हुआ, क्योंकि जो कुछ सोनी का है वो तुम्हारा ही तो है ना? कौवा और कवि तो बहुत ज्यादा ही खुश थे, जैसे मानो उनकी तो कोई लॉटरी ही लग गई हो। अगले दिन जब कालू कौवा और रानी कवि सोकर उठते हैं, तो अचानक घर से सोनी कवि और उसका भाई गायब होते हैं। और फिर तभी वहाँ पर जंगल के अमीर पक्षी उल्लू सेठ आ जाते हैं। मेरे पैसे दो कालू कवि, चलो जल्दी से मेरे पैसे मुझे दे दो। कौन से पैसे उल्लू सेठ, ये आप क्या बात कर रहे हो? ये जो बड़ा सा घर है ना, ये मेरा है, और ये सोनी कवि और उसके भाई ने मुझसे किराए पर लिया हुआ था। आज सुबह ही वे दोनों जंगल छोड़कर कहीं दूर चले गए और मुझसे कहकर गए कि इस घर का सारा किराया मैं तुमसे लूं। कालू कवि, पूरे 1 महीने का किराया है कालू कवि, और अब इस घर में तुम रह रहे हो तो किराया भी तुम ही दोगे। क्या, पर मैं तो कल ही आया हूँ इस घर में, तो किराया मैं क्यों दूंगा? देखो कालू कवि, सोनी कवि तुम्हारी पत्नी है और वो मुझसे यही कहकर गई है, इसीलिए किराया तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। अगर तुमने मेरा किराया मुझे ना दिया तो कालू कवि, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें बंदी बनवा दूंगा मैं। हाय रे, इतना बड़ा धोखा, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं इस बड़े से घर का किराया कहाँ से दूंगा? हाय रे कालू जी, कितनी ज्यादा चलाक निकली वे कवि, सारा किराया हम पर छोड़कर भाग गई। बस अब कालू कौवा उल्लू सेठ के खेत में काम करने लगा था, और वो भी बिना पगार के। इस तरह कालू कवि को उसकी लालच की सजा मिल जाती है, इसीलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है।